हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। सो यार, आज का उसी ना सके, आज मैंने काफ़ी लेट व्लॉग शुरू किया। उसके उसी रीजन है यार, घर में काम आपको पता चल रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग कुछ शूट कर नहीं पा रहा था, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा यार जलालत हो रही थी। मैंने कहा था एक ही दफ़ा मैं रात को जब स्कूल से फारिग हो जाए करेंगे तब शूट करे करूँगा, या जब मुझे टाइम मिला करेगा स्कूल से करा करूँगा। बाकी यार चेक करो, कपड़े धो के हम लोगों ने इधर रख दिए। अभी ज़रा किचन को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मिटा, तो अभी रहता है ये यहाँ से भट्टे वगैरह जो लगे थे ना यहाँ नीचे, वो भी उतार दिए। तो यार अभी मैंने भाई से मुझे कहा कि यार मेरा मिठाई करने का दिल कर रहा है, तो भाई कहता है जा ले यार। तो अभी 7:30 हुए हैं, चलो यार 7 वालों के घर मैंने साइकिल खरीदी है अपनी, तो क्योंकि अपने गराज में तो बहुत ज़्यादा वो लकड़ियाँ वगैरह अलमारी वगैरह पड़ी हुई है, तो इसलिए वहाँ से मैं वहाँ पर आज कल कह रहा हूँ। चलो वहाँ से साइकिल पकड़ते हैं और चलते हैं लैब बैकरी से भी आगे एक बैकरी है, वहाँ पर जाना तो बहुत दूर है, तो यहाँ से तो थोड़ा सा दूर है। चलो चलते हैं। अपनी साइकिल ले ली है, चलो यार निकलते हैं। आप मिठाई लेने आए, बहुत बताना यार किस किस को पसंद है मिठाई खाना। अपनी साइकिल स्टैंड पर लगा दी है, ये लोड स्वीट आ गए हम, चलो चलते हैं। फाइनली ले लिया मिठाई, अब चलते हैं घर। यार दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी मिठाई की, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। इतनी ठंड हो रही है यार, आज बारिश भी हुई है सुबह, तो उसकी वजह से मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है, और मुझे साइकिल चलाते हुए ठंड लग रही है यार बहुत ज़्यादा। तो यार अभी मैंने साइकिल रोकी है, क्योंकि यार ये देखो सामने पार्क है, और जा रहा था रास्ते में यार मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लगता है एक दो दफ़ा बारिश हुई है और लगता है सर्दियाँ आ गई हैं। अब जाना पड़ेगा यार आराम आराम से घर, क्योंकि तेज़ साइकिल चला रहा हूँ तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। यार बताओ यार किस किस के मुंह में पानी आया, मुझे लगता है आप सबके मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। 2000 years later. So guys, finally, आपका भाई उठ चुका है, सो गया था रात को, मिठाई वगैरह खाई थी, तो उसके बाद व्लॉग आने का छूट दिल नहीं करा। कोई यार अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतने ये लेट आ गया हुआ, तो यार मेरी ना तबीयत थोड़ी सी हो गई डाउन, चेक करो रजाई ली हुई है, पर्दे ली हुए हैं, खेस रजाई नहीं सॉरी खेस वगैरह दो तीन ही हैं, क्योंकि यार आपके भाई की तबीयत हो गई थी सुबह 3-4-5 बजे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट इतना दर्द, इतना पेट दर्द हुआ, फिर मामा ने मुझे सुबह टाइम कोई भाई भी सो रहा था, फिर हम दवाई लेने भी नहीं गए कि मेडिसिन ले हैं। तो अब फाइनली उसके बाद मामा ने मुझे दिया पानी गर्म करके अंदर नमक, मैंने वो पिया, फिर उसके बाद उस कमरे में तो नए कमरे में ठंड बहुत थी, तो फिर मुझे मामा ने इधर शिफ्ट किया भाभी के कमरे में। यार हालत बहुत टाइट हुई है, व्लॉग करने का दिल नहीं कर रहा मेरा आज। यार फाइनली मैंने दवाई वगैरह खा ली थी, तो आज मैंने ट्यूशन से भी छुट्टी कर ली, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बाकी चेक कर सकते हो, भाभी के कमरे में कंबल लेके लेटा हुआ हूँ, तो बाकी उधर काम चल रहा है, पर्दे वगैरह लगा रहे हैं, बाकी वो कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आज हम इधर ही सोएंगे रूम में, क्योंकि मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यार फाइनली आपका भाई उठ चुका, तो कल रात को मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब फाइनली ठीक हो गई है आपकी दुआ की वजह से। तो यार अभी काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, पर्दे वगैरह लग चुके हैं, रेलिंग वगैरह भी हो चुकी है, अभी मजदूर हैं, फर्श टूटेगा वो जो सही नहीं बना था ना, अब उसको सही करेंगे, ढाल सही बनाएंगे पानी की, क्या कर सकते हैं यार, कल लगे हैं यार फुल हैवी काम हो रहा है आज, चेक करो यार। जी साथ में चाय वगैरह अंकल लिए बना रहे हैं जो काम करने आए हैं अंकल, वहाँ पर बाथरूम का काम चला वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यार जैसे कि आपने देखा कि काम बाथरूम का वो जो दरवाज़ा लगाना है वो वहाँ पर काट दिया उन्होंने, तब वहाँ पर इंशाल्लाह दरवाज़ा लगेगा। तो यार अभी मेरे लिए आई है गरम गरम चाय, साथ ठंड हो रही है तो चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है। तो यार अभी मामा रोटी बना रहे हैं तो रोटी के साथ डिप करके ना चाय के साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। बाकी यार मुझे सुनाई बताओ आपको किस किस को चाय के साथ रोटी खाना पसंद है। तो यार आपने देखा कि हमने दूध कैसे लिया, क्योंकि यार नीचे वाली मंजिल पर जाना है ना दूध लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने जुगाड़ लगाया। फिर वक्त के लिए रस्सी वाला बना, फिर हम टोकरी ले आएंगे अपना गरम गरम रोटी और एक कप चाय। आए हाय आए हाय आए हाय, क्या डायलॉग मारा है रे। फाइनली खाना कंप्लीट हो चुका है अपना, जब मैं खाना खा रहा था तब तक अंकल ने ये कंप्लीट कर दिया है। फाइनली अभी ये जो बालकोनी है पता नहीं शेर क्या नाम है, जंगला, हाँ जंगला, ये पहले काफ़ी बड़ा था अब ये छोटा हो गया। देखो कितना नीट एंड क्लीन हो गया तैयार। बाकी अभी वहाँ पर खिड़की लग रही है और दरवाजे वो शेर के जो दरवाज़ा लगना वो भी तोड़ दिया, अब ये खिड़की का काम हो रहा है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ जब लग जाएगी। बाकी चेक करो यार दोबारा से कमरों में गंद पड़ गया, यहाँ पर भी चेक करो, अच्छा भला पहले साफ था अब यहाँ पर भी फुल गंद हो गया है। गंद से बना दिए कि बर्तन अंदर आ गए किचन के थोड़े बहुत, और ये जो अंदर ये पड़ी है तो यार अभी ये स्लैब जो डली थी उसके नीचे जो ये नली है फर्श डलना है तो उसका काम अभी जारी है। बाकी खिड़की अपनी लग चुकी है फाइनली, अभी ज़रा सीमेंट से पक्का काम हो जाएगा। और बाकी यार चेक करो ये वाली दीवार पूरी प्लास्टर हो चुकी है, अभी साइडों पे जो दीवारें हैं इसको प्लास्टर अच्छी तरीके से सीमेंट से करें ताकि अच्छी लगे, और बाकी नीचे भी होगा जो जो स्लैब टाइप सी बनती है ना प्यारी सी भी वो बननी है। बाकी यार ये चेक कर सकते हैं आप, बाथरूम तोड़ लिया फाइनली, ये चेक करो ईंटें वगैरह कितनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, चेक करो पूरा बाथरूम इस टाइप फुल ईंटों से बराबर गंदा हो गया, क्योंकि अभी वो दरवाज़ा तो रहा ना वो दीवार थोड़ी है दरवाज़ा कह रहा हूँ तो उसकी जो सारी ईंटें वगैरह वो इधर आई हुई हैं। बाकी चेक करो यार दरवाज़ा भी अपना जैसे कि बताया था आ चुका है फाइनली, और भाई एक और खिड़की लेके आया है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो भी इस टाइप की है ये देख सकते हैं यार, ये ज़रा भी छुपी हुई है, मैं आपको ज़रा ना उधर पड़ी है वो दिखाता हूँ। बाकी रूम चेक करो यार, फिर बेड इतना ज़्यादा सफाई हुई थी पहले फुल इस टाइम गंदा हुआ पर है। बाकी यार जब मैं अभी आपको खिड़की दिखाता दरवाज़ा था उसके आगे वो सही नहीं दिखी, ये वाली है वो वाली जो मैंने आपको दिखा रहा था वो नहीं दिखी, ये खिड़की है भैया। बाकी यार ये भी सही अच्छा तरीके से तैयार हो गया, इसकी मज़ेदार खुशी हो रही है क्योंकि पानी जब सफाई वगैरह करेंगे ना तो इससे नीचे नहीं जाएगा। कि यार अपना किचन का सारा बर्तन अभी तक इधर ही पड़ा है क्योंकि यार अभी वो किचन का काम हो रहा है इसलिए फ़िलहाल के लिए इधर पड़ा हुआ था, तो अभी इंशाल्लाह वो जब सूख जाएगी पूरी किचन का जो दो स्लैपे वगैरह नीचे प्लास्टर हो रही हैं तो वो इंशाल्लाह फिर बर्तन उधर रख दिए जाएंगे सारे। तो यार फाइनली आपका भाई तैयार शर हो गया नहा के फुल स्नैक्सी टाइप सा बन गया, तो यार चेक करो तो और शुरू हो गई है, इधर खिड़की लगनी है जो भाई लेके आया। बाकी यार मैंने बताओ आपका भाई लग रहा था स्नैक्सी हैवी हो गया ना फिर काम, अब जरा बीमारी थोड़ी सी दूर ऐसे लग रहा है मैं फ्रेश हो गया, मैं 7 दिन बाद आया हूँ हफ्ते बाद आज, तो यार क्योंकि काम जा रहा था तो इसलिए मैं नहा नहीं पाया, एक ही सूट मैंने 7 दिन पहना। तो बाकी यार चेक करो अपनी स्लैपे वगैरह भी, वो स्लैपे कह रहा हूँ जो प्लस्तर ये हो गया, यहाँ पर अभी ये खिड़की लगनी है जो परी है ये तोड़ फोड़ हो रही है घर में आजकल, चेक करो फिर से खिला रहा है इतना पर गया गंद। तो यार जैसे कि आपने देखा वो तैयार हो चुकी है फाइनली, जो किचन की जो स्लैब पे हैं और उसके नीचे जो बनाने हैं वो जो भी कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे नाम नहीं पता। बाकी यार
ट्यूशन का टाइम हो गया तो जाने लगा मैं ट्यूशन। ये देखो मेरा बैग भी इधर पड़ा हुआ है, तो अब मुझे नहीं पता इसके अंदर चीज़ें हैं या नहीं क्योंकि खोला ही नहीं। तो कल भी मैंने छुट्टी की थी, मैं ट्यूशन ही गया क्योंकि तबीयत यार बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चलो यार अब चलते हैं ट्यूशन और ट्यूशन से आके आपसे मिलते हैं, लेट्स गो। तो यार फाइनली आपका भाई ट्यूशन से आ चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ अंडे लेने तो क्योंकि यार सर्दियों में अंडे गर्म गर्म खाने का अपना ही मजा है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो यार फाइनली मैं आ चुका हूँ, तो ये देखो अभी मैं पा रहा था कंप्यूटर का काम कर रहा था। तो चलो यार आज की वीडियो इतना, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बाकी यार देखो अभी तक कंप्यूटर का कारण सुबह उठते साथ ही, क्योंकि यार इसका उसने काम दिया हुआ है टेंशन ये भी।